जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की गोलाबारी में दो भारतीय जवान शहीद हो गए। शहीद हुए जवान जम्मू कश्मीर राइफल्स के थे। कल पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी की गई थी जिसमें भारतीय सेना के दो जवान शहीद हो गए थे। पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी में लांस नायक रंजीत सिंह और राइफलमैन सतीश भगत शहीद हो गए थे। आप घड़ी देखिए, लौटते हैं सिर्फ 10 सेकंड्स में। policybazaar.com पे 15 कंपनीज के प्लान 3 मिनट में फ्री में कंपेयर कर सकते हैं। 8,000 सेव किए होते हैं। policybazaar.com पर कार इंश्योरेंस खरीदो और 8,000 रुपए तक बचा। तो शहीदों के परिवार में मातम है लेकिन साथ ही साथ उनमें गुस्सा भी है। पाकिस्तान की कायराना जो हरकत है उससे नाराज परिवार वाले उसे कड़ा सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। शहीदों के परिवार वालों को नाराजगी सरकार को लेकर भी है। उनका कहना है कि आए दिन उनके बच्चे शहीद हो रहे हैं लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। गम में डूबे परिवार मांग कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने का वक्त आ गया है। और शहीद सतीश भगत के रिश्तेदारों ने भी मांग की है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त अब आ गया है। हमारे बहुत बच्चे शहीद हो गए, जम्मू कश्मीर के कितने बच्चे शहीद हुए हैं, लेकिन आज दिन तक उस तरह का संज्ञान नहीं लिया गया। सरकार बार बार आश्वासन देती है कि इस बार देखेंगे, इस बार ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन करते नहीं, उस तरह कर नहीं रहे हैं। पाकिस्तान को इसका इस तरह का जवाब दिया जाना चाहिए कि पाकिस्तान को पिछले भी याद आ जाएं कि किस तरह उन्होंने, उनको याद आना चाहिए। इस तरह एक एक करके, दो दो करके, चार चार करके जो बच्चे हमारे शहीद हो रहे हैं, इसका हमें दुख हो रहा है। अभी क्या आया कि आए दिन कोई ना कोई एक ना एक बच्चा हर गांव का, हर मुल्क का शहीद होता है। उसके बारे में इस गवर्नमेंट को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इनका बच्चा अपना फौज में कोई नहीं है। गरीब दुनिया मर रही है, इन लोगों को अवसर नहीं हो रहा है। आए दिन टीवी में बोलते हैं हम ईंट का पत्थर जवाब, पत्थर का जवाब ईंट से देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वो कहाँ है ईंट, कहाँ है पत्थर? ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये गलत है। आए दिन 25 लोगों के मर रहे हैं, इनको कोई असर नहीं है। इसलिए अब देश को चाहिए कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। वहीं शहीद रंजीत सिंह के परिवार वालों ने भी आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। देखो, वो तो गर्व है हमें कि देश की कुर्बानी दी है। दुख भी है कि एक एक लड़का हमारा वो भी चला गया। इसके बारे में भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए, एक जगदम इस पर अटैक करना चाहिए, उग्रवाद का बिल्कुल सफाया करना चाहिए। खाली बोलने से होता है कि हाँ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं कर रही गवर्नमेंट। इस टाइम में एकदम इसको अटैक करना चाहिए और सफाया करना चाहिए उग्रवाद का। मेरे बच्चे का इंसाफ, इंसाफ दो, मेरे पति को शहीद करने वालों के, उनको भी सजा दो जैसे उन्होंने किया, उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। मुझे अपने पति पर गर्व है, गर्व है, देश के लिए शहीद हुए हैं।